हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर रीओपनिंग के बारे में। कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस हैं, कब उनके बॉर्डर रीओपन किए जाएंगे उसके बारे में कुछ नई न्यूज़ मिली है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ। ओंटारियो के मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द बॉर्डर ओपन करने के लिए जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। ओंटारियो के मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे पहले जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है कि स्कूल में जाके क्लासेस अभी स्टूडेंट सितंबर तक नहीं लगा सकेंगे। जब कैबिनेट मीटिंग में ऐलान किया गया था तब एजुकेशन मिनिस्टर भी उनके साथ थे। डग फोर्ड का कहना है कि बच्चों के लिए इन पर्सन क्लासेस लगाना अभी सुरक्षित नहीं है। 14 जून से पहले ही ओंटारियो को ओपन किया जा सकता है और ये भी कहा गया है कि 14 जून से पहले ओपन करने का ये जो फैसला है ये फाइनल डिसीज़न नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी मेडिकल ऑफिसर की सलाह का इंतज़ार किया जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर कब तक ये कह सकते हैं कि प्रोविंस को स्टेप वन के लिए ओपन करना सही रहेगा। स्टेप वन में बाहर 10 लोगों का इकट्ठ किया जा सकता है और पैटियोज भी ओपन किए जा सकते हैं और नॉन एसेंशियल रिटेल बिजनेस भी 15% कैपेसिटी के साथ ओपन किए जाएंगे। फोर्ड ने जानकारी देते हुए कहा है कि स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है कि कोविड-19 का खतरा छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, इसी वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। सो ये खबर से निकल के सामने आई थी ओंटारियो के मुख्यमंत्री के तरफ से। इस खबर के रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca पे जाके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़, नई नई अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम आपको ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और अगर आपने इमिग्रेशन के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप 9888-295000 पे बात कर सकते हैं। और अगर अपने IT की एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप 9815100148 पे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।